जा बेटा, बुढ़िया उठ जा, देख कितनी देर हो रही है बेटा। बेटा मुझे काम पे जाने पे बहुत देरी हो रही है। क्या माँ, थोड़ी देर और सोने दो। अच्छा सुन, मैंने खाना बनाकर रख दिया है, खा लियो। रुको माँ, माँ कल दिवाली है ना? हाँ बेटा कल दिवाली है। माँ आपने बोला था कि इस दिवाली पर आप मुझे फ्रॉक लेके दोगे। मेरे सब फ्रेंड्स ने नए कपड़े ले लिए हैं, तुम भी आज मेरी फ्रॉक लाओगे ना? कहाँ से लाऊं? क्या हुआ माँ, क्या सोच रही हो? बुढ़िया बेटा तुझे पता है इस लॉकडाउन में घर का खर्चा करना भी कितना मुश्किल हो रहा है, और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि तेरे लिए नई फ्रॉक ला सकूं। कोई बात नहीं माँ, तुम परेशान मत हो, मैं कोई पहले के कपड़े पहनूंगी। अच्छा तुम्हें देर हो रही है ना, चलो जाओ, और बीच में रोना मत। नहीं रोऊंगी। अच्छा खाना खा लियो पीछे से, और मैं जल्दी आ जाऊंगी। ठीक है माँ। अरे लता आज तो फिर लेट आई। कुछ नहीं दीदी, वो घर में कुछ जरूरी काम आ गया था इसीलिए देरी हो गई। चल जल्दी से काम खत्म कर ले, कुछ मेहमानों ने आना है घर पर। गुड़िया को मैंने बोल तो दिया पर मन नहीं मान रहा है कि उसे कुछ ना लेकर दूं। दीदी से भी पैसे नहीं मांग सकती, वो पहले ही इतने एडवांस दे चुकी हैं। क्या करूं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अरे लता क्या सोच रही है? कुछ नहीं दीदी, बस ऐसे ही। अच्छा सुन, कल अपनी बेटी को भी साथ लेती आई हूँ। क्यों, क्या हुआ दीदी? अरे कुछ नहीं, कल दिवाली है ना, तो घर में बहुत काम होगा, तो कुछ छोटे छोटे काम वो भी कर लेगी। पर दीदी अभी तो बहुत छोटी है,